भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं शहर के विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस कप्तान बाबूराम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद है, साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस की भी तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। भीड़ को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है ताकि जाम की समस्या न बन सके। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में ट्रैफिक का प्लान तैयार किया गया है, इसको समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी कराया गया है कि किस किस रूट में ट्रैफिक बंद रहेगा और कहां से अल्टरनेट तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कल से सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पुलिस भी रहेगी और जो पूजा समिति के लोग हैं उनकी तरफ से वॉलेंटियर्स लोग भी रहेंगे। जिला में पैरामिलिट्री फोर्स आ चुकी है, बाहर से बिहार सशस्त्र पुलिस के लोग भी हम लोगों को उपलब्ध हुए हैं, जॉइंट आदेश निकल गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी कहा कि पूजा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिल गया है, हम लोगों का जो डेप्टेशन ऑर्डर है वो नवगछिया का निकल गया है, भागलपुर का भी आज निकल जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साफ सफाई के लिए विशेष प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। शहर में हो रहे अपराध को देखते हुए एक और जहां प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है, लगातार गश्ती की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर भागलपुर की ही है जहां अपराधी को लेकर जा रहा बरारी थाना पुलिस का वाहन बीच सड़क पर बंद हो गया। पुलिस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर थाना का चालक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया और डब्बे में पेट्रोल लेकर गाड़ी में तेल डाली और आगे लेकर गया। वहीं पूरे राज्य में पेट्रोल पंप पर डब्बे में पेट्रोल नहीं देने का आदेश है, लेकिन बेचारा चालक क्या करता। इस वाक्य से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कैसे दुर्गा पूजा में पुलिस अपनी व्यवस्था सुधार सकेगी। अगर मनचले या अपराधी छेड़खानी करते पकड़ाए तो कैसे पुलिस उसे पकड़ सकेगी। कम हो गया क्या? हमको मालूम नहीं है क्या हुआ है, लेकर तो जा रहे हैं, रास्ता लगा है, देख ही रहे हैं यार। कौन थाना? बरारी थाना। धक्का मार रहे थे गाड़ी में, धक्का क्यों देने का कारण क्या हुआ? पीछे में खड़ा हो गया तो साइड करा रहे हैं। खराब हो गया है, क्या हो गया? खराब हो गया, क्या हो गया वो ड्राइवर बताएंगे। दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, सिटी एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुसहरी घाट पर बने कृत्रिम तालाब का जायजा लिया। शहर के विसर्जन घाट पर किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी, साथ ही अगले साल परमानेंट तालाब बनाया जाएगा जिससे एक साथ ही सभी मूर्ति को विसर्जित किया जा सके। पिछली बार एक साथ मूर्ति विसर्जित नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, विसर्जन जुलूस से किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर ससमय विसर्जन कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर के सारी तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में है। डेप्टेशन ऑर्डर दोनों पुलिस जिला का, भागलपुर और नवगछिया का जो है वो निकल गया है, अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिला है और मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। विसर्जन स्थल को हम लोग देखने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता है कि नदियों में अब विसर्जन नहीं होना है, जो NGT की गाइडलाइन है तो उसी के अनुरूप नगर आयुक्त साहब यहाँ पर एक जो है कृत्रिम तालाब का निर्माण करा रहे हैं। उससे आगे आने वाले साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक यहाँ परमानेंट तालाब जो है वो बन करके तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी स्थल चयन हो गया है, स्मार्ट सिटी के तहत वो काम होना है, तो वो भी अगले विसर्जन से पहले जो है अगले साल के वो बन करके तैयार हो जाएगा, तो ये समस्या जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिन्हा भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे। भागलपुर में बिगड़े कानून व्यवस्था व दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए ADG संजय सिन्हा ने कहा कि भागलपुर में कुछ हत्याओं की घटना घटी है, कुछ घटनाओं में गिरफ्तारी हुई है, जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SSP को निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है, रैप की कंपनी भी आई है, दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। घटनाएं घटी हैं और हम लोगों ने मुख्यालय स्तर पर भी उसकी मॉनिटरिंग की है और कुछ घटनाओं में गिरफ्तारी भी हुई है और SIT भी बाकी केसेस में बनाई गई है और उम्मीद है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोग उनको हम लोग जल्दी अरेस्ट करवा लेंगे। इस संबंध में मेरी SSP साहब से भी वार्ता हुई थी और उन्होंने एक अपनी टीम बना के इसमें जो भी लोग वांछित हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम लोग जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट करके गिरफ्तार करें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का युवक योगेश कुमार मरकाम 18 राज्य की यात्रा साइकिल से तय करते हुए आज भागलपुर पहुंचे। 6 महीने पूर्व यात्रा पर निकले योगेश अब तक 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। भारत के सभी 29 राज्य के भ्रमण करने का लक्ष्य से निकले योगेश आज भागलपुर पहुंचे।
यहाँ से वो पूर्णिया किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल जाएंगे, उसके बाद असम समेत कई राज्य पहुँचेंगे। योगेश ने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों का यात्रा किया, 10 दिन पहले बिहार पहुंचे हैं। भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को स्वच्छ बनाने और पेड़ लगाने को लेकर जागरूक करना है। योगेश कुमार मरकाम ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे परिवार और समाज का नाम रोशन हो सके। और मेरा भारत भ्रमण करने का उद्देश्य है ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ, अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसके लिए मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले में दुर्घटना में पिछले कुछ दिनों में हुई 19 मौतों में से 11 मृतक के परिवारों को जांच के उपरांत 5 लाख रुपया मुआवजा राशि का चेक सौंप दिया। दुर्घटना में मृत हुए अन्य 8 परिवारों को भी कागजात के जांच के बाद मुआवजा देने की बात कही गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखें जिससे घटनाएं ना घटित हो जाती है, जो कि बहुत दुखद होता है परिवार के लिए। और परिवार के कई बार ऐसा होता है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पर आर्थिक जो है वो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसी कड़ी में 5 लाख रुपया जो है वो दिए जाने का प्रावधान परिवहन विभाग की तरफ से बनाया गया है। पहले आपको पता है कि 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिया जाता था, तो अब परिवहन विभाग 5 लाख रुपये का भुगतान आश्रितों को करता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 11 जो ऐसे आश्रित हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है, उनको 5-5 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और ये ट्रेजरी में बिल आज ही चला जाएगा और अगले एक सप्ताह में मैक्सिमम बता रहा हूँ कि छुट्टियाँ हैं, अगले 2-3 दिनों में संभवतः राशि उनके खाते में चली जाएगी।